हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शन ऑन इंडिया। मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है RRR 95 द ऑस्कर लाइव परफॉर्मेंस ऑन ऑस्कर स्टेज नादू नादू सॉन्ग इंडिया प्राउड मोमेंट, और इनके चैनल का नेम है गीता चांदू। आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और बाकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। Made this next song a global sensation. It plays during a pivotal scene in RRR, a movie. A movie about the friendship between real life Indian revolutionaries Alluri Sitarama Raju and Komaram Bheem. In addition to being sung in Telugu and illustrating the film's anti-colonialist themes, it's also a total banger. It's earned millions of views on YouTube and TikTok, has audiences dancing in movie theaters all around the world, and is also the first song ever from an Indian production to be nominated for an Oscar. Do you know not to? Because if you don't, you're about to. From the film RRR, this is Natu Natu. कौन है सेम कर रहे हैं? स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वहां के लोग हैं। सिंगर ओरिजिनल है ये तो, सेम लग भी रहा है ना, ये वेबसाइट वाला ना। हाँ, coming up from Mahaya Pino and Antonio Banderas, and later Hugh Grant and Andy McDowell present the Oscar for production design. To learn more about nominated production designers, scan the QR code on your screen. तो खैर
खैर बहुत ही जबरदस्त, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, और उससे भी बड़ी बात ये कि ऑस्कर मिला है, जो कि हमने देखा नहीं है, खैर इस वीडियो में नहीं था मिलते हुए, लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और साथ ही एक और भी बात का मुझे पता चला है कि इंडिया की सिर्फ एक, इसने ऑस्कर नहीं लिया, एक और डॉक्यूमेंट्री कोई मूवी है शायद एनिमल से रिलेटेड है कुछ, वो उसने भी ऑस्कर जो है वो उसको भी मिला है। तो मुझे लग रहा है वो शायद नेटफ्लिक्स वगैरह पे अगर ऐसा कुछ हुआ सीन तो देखेंगे वो मूवी भी। मुझे लग रहा है वो भी कुछ बहुत ही जबरदस्त टाइप की होगी। लेकिन मतलब कंग्रेचुलेशन कहने से पहले मैं एक बात लाजमी कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो है ना वो दीपिका बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ, दीपिका जो है ना मुझे कम जो है ना इसका जरा मेकअप अच्छा लगता है या हेयर स्टाइल बहुत कम अच्छा लगता है, लेकिन इस अवार्ड शो में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और अब बात करते हैं उसके गाने की, तो भाई हम दोनों की तरफ से बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशन है पूरी टीम को। और वैसे ये गाना इतना फेमस हो चुका था बहुत ज्यादा, जैसे वो कह भी रही थी टिकटॉक पे, और इस पर रील्स भी बहुत सारी बनी है, तो पहले इसने इतने ज्यादा फेमस हो गया था, अब तो ऑस्कर मिल गया, अब तो भाई और ही आसमानों पे चला जा रहा है, फेमस हुआ तो ही ऑस्कर मिला है। तो वैसे ही हम इस गाने के जो है वो बहुत ज्यादा फैन थे, और जैसे उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया बिल्कुल सेम टू सेम जो है जैसे मूवी में डांस स्टेप्स थे वैसे ही परफॉर्म किया, और मेरे ख्याल से ओरिजिनल सिंगर थे, और हाँ शायद ये तामिल मूवी है ना, हाँ उसी लैंग्वेज में जो है वो गाना जो ओरिजिनल वॉइस में था वो उन्होंने परफॉर्म किया, तो बड़ा अच्छा लगा देख के। अच्छा अगर मैं बात करूँ सॉन्ग की, तो नो डाउट सबको ही पता है, ये हमारे कहने से तो ज्यादा नहीं हो जाना, सबको ही पता है बहुत खूबसूरत इसकी कोरियोग्राफी है, बहुत खूबसूरती से निभाया है रामचरण और JR NTR ने, बहुत ही खूबसूरती से ये सॉन्ग जो है वो निभाया है, इस पे डांस इतना खूबसूरत किया हुआ है कि आम इंसान, बहुत टिकटॉक बनी होंगी, बहुत रील्स बनी होंगी, लेकिन इनको मतलब किसी ने जो है इनके पास तक भी नहीं गए, यानी दूर तक बहुत ज्यादा एनर्जी की बात है। और ऐसे लग रहा था जब वो मतलब लास्ट का अगर आप मूवी का देखें ना, जब उन दोनों के बीच में मुकाबला हो रहा है, तो वो मतलब एक सेकंड के लिए भी थकते नहीं है, तो हम लोग इधर देख के हैरान हो रहे थे कि यार इतनी एनर्जी, मतलब सेम स्टेप करी जा रहे तो ये जो स्टेज पे परफॉर्म किया था ये भी उनके मुकाबले तक नहीं पहुंच सके, वो स्पीड वो एनर्जी नहीं थी उनमें। इन्होंने भी अच्छा किया, लेकिन वो एक जो मूवी का है वो एक उसका अपना लेवल है। और दूसरा ये कि इस सॉन्ग की जहां तक बात करें ना, इस सॉन्ग में मतलब पूरी मूवी की जो इनके डायरेक्टर है ना राजा मौली सर, उन्होंने मतलब एक जगह पे बोल रहे थे कि पूरी मूवी की स्टोरी जो है ना वो इस सॉन्ग में समअप की हुई है, कि मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट है, ब्रिटिश किस तरह से रूल कर रही थी इंडिया पे, तो उनको मतलब और मतलब नीज पे लेके आना है आपने डांस के थ्रू, और वाकई वो लेके आए भी, और किस तरह से ये फाइट की मूवी है। वैसे RRR का मैंने सर्च किया कि इसका क्या एब्रिविएशन, इसका क्या हो सकता है, राइज रोर एंड रिवोल्ट इसका मतलब एब्रिविएशन है, तो वाकई मूवी के नाम से भी जाहिर हो रहा है। अच्छा यहाँ पे मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी, मैं देख रही थी एक जगह पे कि बर्तानिया में भी ना ब्रिटिश में एक हुआ है पिछले दिनों अवार्ड, लेकिन उसमें इन RRR को बिल्कुल मतलब कहीं किसी खातर में भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। शायद इसकी ये भी लोग कह रहे हैं कि शायद कोई कंट्रोवर्सी थी कि इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट किया है, लेकिन अभी भाई उससे भी बड़ी बात ऑस्कर इन्होंने ले लिया है, और भी मेरे ख्याल से इंटरनेशनली एक और भी गोल्ड मेडल या इस तरह का कुछ इन्होंने अवार्ड जो है ना वो लिया है, तो भाई नहीं करते तो ना करें, सब पूरी दुनिया में तो ये छाया हुआ है, जो इतनी एम्बेसीज हैं, जो इंडिया में इतनी एम्बेसीज के लोग जिन्होंने रिएक्शन भी किया था वो इतने इंजॉय कर रहे हैं, और है भी इंजॉय वाला, मतलब इस इतनी कंट्रोवर्सी में पड़ गई कि भाई वो इसके अगेंस्ट है, तो वो ब्रिटिश ने ना किया, लेकिन मिला तो ऑस्कर उनको फॉरनर से ही है ना। तो बहुत बहुत जबरदस्त, मैं कहती हूँ कि इस तरह की मूवीज बहुत कम बनती हैं, बहुत कम अरसे में। और दूसरा एक और मैं एक बहुत मजे की बात बताना चाहूंगी कि जैसे ये साउथ इंडियन मूवी है, तो मतलब ये जो रामचरण सर है, आई थिंक रामचरण या नहीं JR NTR ने पहनी हुई थी शर्ट जिसके ऊपर टाइगर था, तो टाइगर आई थिंक इंडिया का वो है नेशनल एनिमल है, तो उनसे जब पूछा ना कि आपने ये क्यों ऐसा कोट ऐसा क्यों पहना हुआ है, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं रिप्रेजेंट इंडिया को कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बात है, ये नहीं उन्होंने किया कि भाई हम तेलुगु इंडस्ट्री से हैं या हम साउथ इंडियन है, तो हम ये कहें भाई साउथ इंडियन मूवी ने जीता है, ये भी तो होता है ना, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया का, लेकिन इंडस्ट्री अलग है ना, जो बॉलीवुड है वो अलग है, और उनका मुझे लग रहा है कुछ ऐसा कुछ है भी है कि वो अलग से, नहीं क्लैशेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी इंडस्ट्री जो है ना वो टोटली उनसे अलग है, जैसे उनकी अपनी पहचान है, इनकी अपनी पहचान है, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री की पहचान को नहीं किया कि भाई मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, उन्होंने कहा मैं इंडिया से रिप्रेजेंट किया, तो इंडिया की जीत हुई है एक टाइप की।
इतनी और प्रोग्रेस के साथ साथ इन चीजों में भी इंडिया जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको रिएक्शन कैसा लगा। और ये भी जरूर बताइएगा एक बात कि ये जो स्टेज पे ये डांस कर रहे थे ये मतलब कौन थे, वहां की इंडस्ट्री के थे या कोई यहाँ के ही थे। अच्छा मूवी में फॉरेनर्स ने भी बहुत काम किया ना। हाँ फॉरेनर्स ही होंगे तो ये जरूर अगर आपको पता तो कमेंट करके बताएगा। खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक दें हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।